मिडिल क्लास की जी वैगन, हम नई गाड़ियां बैठे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का फिर से स्वागत है इस बोरिंग सी शक्ल के साथ मजेदार वीडियो में। बताऊं तो ऐसा मेरा आज कोई खास मकसद नहीं था कि आज मैं फुल ब्लॉग बनाऊं, लेकिन वो तो मुझे अभी भी पता चला कि मेरे भैया मतलब राखी के सगे भैया मेरे ताऊ जी के बेटे एक गाड़ी लेने जा रहे हैं, वो भी नई फोर व्हीलर। एक और सच बताऊं तो हमारे परिवार में पहली बार फोर व्हीलर आ रही है, मतलब इंडिया में। मेरे एक चाचा जी न्यूजीलैंड रहते हैं ना, तो उनके पास तो है। क्या मतलब मैं शो ऑफ कर रहा हूँ? तो जैसा कि मैं अकेला कहीं पर भी नहीं जाता, तो ठीक ठाक बंदा और ठेस बुद्धि दोनों मौजूद हैं। ये है मेरे ताऊ जी फ्रॉम असम राइफल, और ये मेरी बड़ी मम्मी मतलब मेरी मम्मी की बड़ी बहन, और ये है मेरे भूपेंद्र भैया मतलब राखी के सगे भाई। तो किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकलने से पहले दही शक्कर खाकर जाना बहुत शुभ होता है। बाकी सब तो ऑटो से निकल जाते हैं और हम तीनों बाइक से जा रहे हैं। एंड सॉरी कानून, आज बस आखिरी बार है। मगर जाने से पहले इस मोटरसाइकिल की थोड़ी सी मतलब पूरी सी प्यास बुझा दी जाए। और तीनों फिर तन तना के चल देते हैं, मगर ठेस बुद्धि को चौराहों पर उतरना पड़ता है। और इस चिलचिलाती धूप का सामना करते हुए हम आगे की मंजिल के लिए रवाना हो पड़ते हैं। और आखिरकार हम पहुंच जाते हैं जहां पर ताऊ जी, बड़ी मम्मी और बाकी के सभी लोग पहले से मौजूद मिलते हैं। और ठेस बुद्धि पूरी लगन के साथ पता नहीं क्या देख रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हम कारों की दुकान पर आ चुके हैं। तो हमारे भैया जी ने खरीदी है मिडिल क्लास की जी वैगन वेगनार। मगर ये दोनों फिर किन किन बाजी करने लग जाते हैं, क्यों? स्टीयरिंग वाली सीट पर बैठने के लिए। तो हमारे भैया जी ले रहे हैं मिडिल क्लास की जी वैगन वैगन आर। क्या बात है। तो दिल में काफी गदगद हो रही है क्योंकि हमारे परिवार में पहली बार फोर व्हीलर गाड़ी मतलब कार आ रही है। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस कल से भैया से मीठी मीठी बातें करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि अगर हम उनसे एक आध घंटे के लिए गाड़ी मांगे तो आराम से दे दिया करें और हम अपने आराम से 4-5 घंटे व्यतीत कर सकें। कार बेचने वाले काफी समझदार होते हैं, आपका दिमागी संतुलन बना रहे, इसलिए ये पल पल पर आपको ठंडा पानी और कॉफी पिलाए रखते हैं। मगर फिर भी हमें यहाँ पर बहुत सारा समय हो जाता है। पापा तो घर वापस चले भी जाते हैं, मगर हमें बड़ी तेज भूख लगी होती है तो हम कुछ खाने पीने की तलाश में चल पड़ते हैं। तो धूप हो रखी है बड़ी भयंकर, और आप देख सकते हैं हमारा ठेस बुद्धि गैंग्स ऑफ वसीपुर का सरदार खान बना घूम रहा है। आसपास कोई अच्छी दुकान ही नहीं थी खाने पीने की, होती भी है तो वो शाम को लगती है। तो हम चले आते हैं ऐसी एक दुकान पर पेटीज खाने। तो पेटीज खा के थोड़ी सी तो जान आई शरीर में हमारे में और हमारे ठेस बुद्धि के कोमल शरीर में। और धूप की तो क्या ही बताऊं, बड़ी भयंकर हो रखी है। मगर अभी इनके पेपर वर्क ही खत्म नहीं हो रहे, तो तब तक हम गाड़ियों का मुआयना करते हैं। सर, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? कुछ नहीं सर, बस यहाँ पर फ्री की कॉफी पीने आता हूँ और इसमें बैठने आता हूँ। गुड। तो जैसा कि मुझ पर कार चलाना बिल्कुल नहीं आता, मगर मुझे सीखनी है, और मेरा सपना है कि मैं अपनी एक कार खरीदूं, मगर मैं कभी भी मारुति सुजुकी की कार नहीं खरीदूंगा, देश की कार खरीदूंगा। टाटा। सबसे बड़ी दिक्कत है कि मेरे पैर स्टीयरिंग से अड़ रहे हैं, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि ये स्टीयरिंग से ऊपर हो जाती थोड़ी सी। करियो, कहाँ से होती है? हाँ, ये ऊपर हो गई, ये तो इतना आगे हो के क्या बैठा। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। तो ये हो चुकी है और इसमें कहाँ है? नीचे है। और इसे सीट पीछे। अरे वो बुद्धि तो कि कौन ले आवे तू? हाँ, ये ऐसे सीट पीछे हो जाती है। अब थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल सा। जी चढ़ी और उदम मत होचा, ठीक है? हाँ, तो फील आ रहा है, एक सेकंड मुझे और फील लेने दो। यस, हाँ अब ठीक है। तो तुमने क्या चालू कर दो? तो मैं ऐसे कार चलाया करूंगा, बड़ा मजा आया करेगा।
सीट थोड़ी ज्यादा पीछे तो नहीं होगी, थोड़ी सी आगे कर लेंगे। अब ठीक है, ये तेरी तेरी पहली बार कार में बैठेंगे तो ऐसे ही होगा। तेरी मेरी कहानी। तो दोस्तों हम नई गाड़ी में बैठे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। इस गाड़ी का नाम स्विफ्ट है। काफी ज्यादा अच्छा फील आ रहा है क्योंकि इसमें नई गाड़ी की खुशबू आ रही है और बहुत मजा आ रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से इंडिकेटर चालू हो जाते हैं और कुछ चालू नहीं कर, ये बार बार हॉर्न बजा रहा है, अच्छी बात नहीं है बिल्कुल। नहीं यार तो जब से इन्हें पता चला है कि यहाँ पर एक बार नहीं कई बार चाय कॉफी पी सकते हैं, खुद जाकर बोल सकते हैं उनसे, तो ये इस सेवा का पूर्ण रूप से लाभ उठा रहे हैं। और तो और उसमें नखरे छांटते हुए एक्स्ट्रा चीनी भी मांग लेते हैं। तो सुबह से इंतजार करते करते शाम को फाइनली गाड़ी रेडी हो चुकी है घर ले जाने के लिए। गाड़ी के साथ एक कैडबरी का डिब्बा भी मिलाता है जिसका टेस्ट बुद्धि यही चीर हरड़ कर देता है। तो ये हमारे भैया जी की गाड़ी एकदम रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं इसका कलर काफी सेक्सी कलर है, एकदम बढ़िया मस्त एकदम लाइट कलर। और अंदर से हम आपको इसके फीचर्स दिखाते हैं, आइए। तो बैठने में काफी मजा आता है, जिस तरह हर गाड़ी में आता है मजा, यहाँ से इसकी लाइट जल जाती है देखिए। और भूले यहाँ से चल जाता है, चालू करो डायरेक्ट। हाँ तो मैं अभी गाड़ी चालू करके दिखाऊंगा आपको, देखिए। हाँ पंखा चालू हो गया, जब से चालू नहीं थी। ये देखिए सामने से आप, रेस मारो रेस मारो। काफी अमीरा वाला फील आ रहा है, देख सकते हैं। आइए टेस्ट दो, आप भी अमीरा वाला फील करिए। अपनी गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, मैं इस बार चांद लगा रहा हूँ। खिड़कियाँ खुल चुकी हैं और हम तीनों इस गाड़ी में बैठ चुके हैं, काफी अच्छा लग रहा है। पंखे की स्पीड कम करो, पंखों की स्पीड, अरे वो चार नंबर यार, पंखों की स्पीड कम हो चुकी है जिससे कि आपको हमारी आवाज अच्छी सुनाई देगी। काफी अच्छा फील आ रहा है गाड़ी में बैठकर, क्यों ना टेस्ट बुद्धि आपको भी अच्छा फील आ रहा है ना। एकदम मस्त मजेदार हूं। पार्टी चाहिए पर पार्टी हम भी पार्टी हो जाए। ये देखिए स्टीयरिंग वाले क्या मजा आता है। जितना मजा लेना है आज ले लो इस गाड़ी में, फिर आगे से हमको गिड़गड़ा गिड़गड़ा के मांगनी पड़ा करेगी। मांग लेंगे, गिड़गड़ा लेंगे थोड़ा, क्या यार अपने ज्यादा गिड़गड़ा लेंगे अपनी भैया तो हैं। नजदीकी पेट्रोल पंप ले जाने लायक पेट्रोल भरी जाती है। तो मैं तो चुपचाप से गाड़ी में बैठकर सटक लेता हूँ और ये दोनों बाइक से जाते हैं। फाइनली नई गाड़ी लेकर घर पहुंच जाते हैं और इसकी पूजन के लिए पंडित जी भी आ जाते हैं। और फिर गाड़ी का पूजन चालू हो जाता है। ये है तो सही स्कूटी, सुपर बाइक। हमारा पुनिया भी यहाँ पर मौजूद हो चुका है और फिर बारी बारी से सभी लोग इस गाड़ी का पूजन करते हैं। पूजन के बाद का सबसे फेवरेट पार्ट प्रसाद की प्राप्ति। ये लोग फिर भूपेंद्र भैया से पार्टी मांगते हैं और धमकाते हैं कि अगर आपने पार्टी नहीं दी तो आपकी गाड़ी के पहियों की हवा निकाल देंगे। वाओ इसने आइसक्रीम बचा के रखी है। गर्मियों में यही तो है।